लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है डिलाइट डोसा, जाने फायदे और इसको बनाने का तरीका यानी कि रेसिपी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अस्वस्थ खान पान और खराब जीवन शैली के कारण पेट की समस्याएं होना आम बात है। वहीं फास्ट फूड के बढ़ते ट्रेंड के कारण भी आजकल पाचन संबंधी समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसके कारण पाचन खराब होना, अपच, एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। पाचन की समस्याओं के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट की एकमात्र समाधान हो सकता है। डिलाइट डोसा का रेसिपी पाचन के स्वास्थ्य रखने के लिए फायदेमंद होता है। इसे बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए सामग्री क्या चाहिए डिलाइट डोसा के लिए आप लिख लीजिएगा। घिया यानी लौकी 4 चम्मच, मूंग दाल आधा कप, टमाटर 2 चम्मच, शिमला मिर्च 2 चम्मच, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, अदरक 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, हरा धनिया 1 चम्मच। अभी इस डोसे को बनाने की विधि क्या है वो आपको बता रहा हूँ। डिलाइट डोसा बनाने के लिए आधा कप मूंग दाल को 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कल खाना है तो आज रात में भिगो कर रख दें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब इसे पानी के साथ पीस लें और 2 घंटे के लिए अलग रख दें। अगले स्टेप में सभी सब्जियों को बारीक बारीक काटें और मसाले को भी तैयार कर लें। अब डोसा बेटर को अच्छे से मिक्स करें। इसमें टमाटर, घिया, शिमला मिर्च और अदरक डालकर अच्छे से मिक्स करें। सब्जियां मिलाने के बाद इसमें सेंधा नमक, काली मिर्च और हरा धनिया मिलाएं। मिक्सर तैयार करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए इसको ऐसा ही रहने दें। उसके बाद आप तवा गर्म करें, इस पर थोड़ा सा देसी घी लगाएं। इसके बाद डोसा बेटर इसमें डालें और डोसा बनाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेटर को पकने दें और दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लें। घर की बनी चटनी के साथ गर्मा गर्म डोसे का आनंद लें और बरसात का मौसम में आपको बहुत अच्छा लगेगा। डिलाइट डोसा खाने के फायदे क्या हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। वेट लॉस में फायदेमंद है डिलाइट डोसा। अगर आप एक फिटनेस फ्रिक हैं तो वेट लॉस के लिए सही रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो डिलाइट डोसा आपके लिए हेल्दी ऑप्शन हो सकता है। इसे तैयार करने के लिए भरपूर सब्जियों और मूंग दाल का इस्तेमाल करें जो वजन घटाने के लिए फायदेमंद है। पाचन के लिए बेहतर है। भरपूर सब्जियों के कारण इसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है जो पाचन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। साथ ही इसमें सेंधा नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल भी किया गया है जो पाचन को बेहतर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। पोषक तत्वों से भरपूर है डिलाइट डोसा। डिलाइट डोसा में विटामिन और मिनरल के साथ प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो संपूर्ण शरीर के लिए ज़रूरी है। डिलाइट डोसा में प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसके सेवन के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। इससे आप अगले मील में कम कैलोरी लेते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।